जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगतार खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोहि दीजै भक्ति दान काल दुख बहुत रिया, मेरी तड़प उठी अमान दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाओ, सुरती भी गए अमीर सधार तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया, स्वामी ये पिता हमार जल्दी पार किया, ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो, प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव।
ध्यान पर बैठ जाइए सब लोग, कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से, आंख बंद करके अंतर में एक जगह पर दृष्टि को टिकाइए, मन को रोक कर बैठिए, जब कहा जाएगा तब खोलिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 18 मार्च 2019 को होली त्यौहार के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उज्जैन आश्रम पर सायंकाल की वेला में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोग अपने अपने घरों से चल करके यहाँ पर आए हो, कुछ लोग रास्ते में भी मिले होंगे, आप यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, लोगों से आपने बातें भी की होंगी, कार्यक्रम के बारे में लोगों ने लोगों को बताए होंगे, साथ में सफर किए होंगे, प्रेम मोहब्बत बढ़ा होगा, आपने लोगों को समझाया बताया होगा। जो लोग चलते समय रास्ते में इस तरह का काम करते हैं, उनमें से सुनने वालों में से कुछ लोग सत्संग में आ ही जाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा पहले आ गए, सेवा भी मिल जाएगी और सत्संग की दो बातें भी सुनने को मिल जाएंगी। यहाँ से जाने के बाद आप अपने वतन जहाँ पर रहते हो, जिसको घर कहते हो, जाओगे। यही लक्ष्य, यही उद्देश्य आप बना करके वहाँ से आए कि हमको सत्संग सुन करके वापस आना है। लेकिन अगर रास्ते में कोई मिल जाए और आपको लोभ लालच दे दे, अपने जाल में फंसा दे, नौकरी का लालच, बिजनेस व्यापार का लालच या और किसी तरह का लालच दे करके आपको फंसा दे, तो आप घर नहीं पहुंच सकते हो, आप उसी में फंस जाओगे। और जब उसमें फंस जाओगे तो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वही आपको अच्छा लगने लगेगा, और वो जो घर जहाँ पर आपको आनंद मिलता था, सुख मिलता था, उसको आप भूल जाओगे। ऐसे ही ये सूरत, ये जो जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, ये अपने घर अपने मालिक के पास से जब यहाँ नीचे आई तो यहीं पर फंस गई, माया के पसारा में, काल के जाल में फंस गई, और जब से आई तब से ये वापस जा ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि रास्ता ही भूल गई, रास्ता ही इसका बंद हो गया। जैसे कोई नदी हो और उसमें पुल बना हुआ है, वो पुल टूट जाए तो रास्ता बंद हो गया, ऐसे ही संपर्क टूट गया। किससे? शब्द से, क्योंकि शब्द से ये नीचे उतरी है, और शब्द ही जब छूट गया तो कैसे ये जा सकती है? शब्द का ही सारा पसारा है,
शब्द का ही सारा खेल है, और जब शब्द छूट गया तो इसकी ताकत भी खत्म हो गई। कैसे? जैसे देखो, ये बिजली के तार लगे हुए हैं, ये जो रबर चले हुए तार हैं, इसके अंदर जो तार है उसमें करंट है, और वो करंट कहाँ से जुड़ा हुआ है? पावर हाउस से, जहाँ बिजली बनती है वहाँ से जुड़ा हुआ है। अब वहाँ से उसका जोड़ हटा दिया जाए तो इसका तार का जो पावर है, शक्ति है, वो ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी तो इस तार से जो आप बल्ब जला रहे हो, वो बल्ब बुझ जाएगा, बेकार हो जाएगा। रोशनी जो हो रही है, रोशनी ख़त्म हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा का यानी समझ लो कि संबंध जब टूटा तो ये अपने को भूल गई कि मैं कौन हूँ। है तो ये परमात्मा की अंश, पावर इसमें उसी मालिक की ही है, लेकिन ये अपने को कई भूल और यहाँ फंस गई। अब यह जो सफर है जीवन का, इसमें बहुत लोग मिले, बहुत कुछ मिला। क्या मिला? धन मिला, पुत्र मिले, औरत मिली, परिवार मिला। अब उनका जो लेना देना, कर्जा ऊपर चढ़ा, उसी में फंसते चले गए। कितने युग बीत गए, शत्रुग त्रेता द्वापर कलयुग, कितने युग बीत गए और अभी तक अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच नहीं पाए। तो जब पहुंच नहीं पाए और दुख झेलने लग गए, क्यों दुख झेलने लग गए? क्योंकि मन जो कभी सूरज के साथ था, वो सूरज के पास से गया हट। देखो, मन और सूरज यानी आत्मा, और समझो कि माया, आप समझो कि इन्हीं का तो सब है, चक्कर यही है सब, प्राण और आत्मा और माया और मन, ये प्रमुख हैं, मुख्य जिसको कहते हैं, खास जिसको कहते हैं। तो ये जब यानी जीवात्मा में ताकत थी, तार से जुड़ी हुई थी, तो ये मन ऊपर का रस लेता था, जीवात्माएं ऊपर आती जाती थी, ऊपरी लोकों में आती जाती थी, अपने घर जीवात्माएं जाती रहती थी, तो मन को वहाँ का खुराक मिलता था, वहाँ का रस मिलता था, तो सूरज का खूब साथ देता था। लेकिन अब मन को खुराक चाहिए, तो मन को और जीवात्मा को दोनों खुराक चाहिए। अब यह है कि जैसे जो नादान होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो भूख को नहीं रोक पाता है, और जो सयाने होते हैं, बड़े होते हैं, उम्र दराज होते हैं, भूख को रोक करके भी बैठे रहते हैं। जो भूख को रोक लेता है उसको लोग महान कहने लगते हैं, जो चिल्लाने लगता है भूखा 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 भूखा, उसकी कोई कदर नहीं रहती है। ऐसे ही ये जीवात्मा का खुराक बंद हुआ, ऊपर से बंद हुआ, तो ये तो परमात्मा के अंश होने के नाते ये तो अपना चुपचाप पड़ी रहती है, बैठी हुई है, एक तरह सुस्त पड़ी हुई है। लेकिन मन को तो खुराक चाहिए, तो मन क्या किया, ये इधर आ गया, इधर नीचे की तरफ। तो इंद्रियां हैं, ये आँख, कान, मुंह, और ये आपका जो है नाभि, और ये टट्टी पेशाब के रास्ते, यानी समझ लो इंद्रिय द्वार कहा गया इसको। तो ये इधर उतर आया, और इधर जब उतर आया और इधर का रस जब लेने लग गया, तो ये सूरत से बिल्कुल अलग हो गया। अब सूरत कोशिश भी करे, यानी समझ लो ऊपर जाने की, ऊपर का रस लेने की रास्ता भी मिल गया, लेकिन मन साथ नहीं दे रहा है। तो जैसे आपको बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया भजन करने का, ध्यान लगाने का, और अभी आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठे भी, लेकिन मन ने साथ नहीं दिया। तो मन ने साथ नहीं दिया तो जगह से आगे नहीं बढ़ पाए, जहाँ थे बस वहीं पड़े रह गए। सूरत यानी समझ लो जिस स्थान पर बैठी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे ही
यानी समझ लो कि मन इधर नीचे की तरफ जब हुआ, इंद्रियों के घाट का रस जब लेने लग गया तो सूरत का साथ गया छूट, और सूरत का साथ छूट गया, और जीवन की जो उम्र है, मनुष्य की जो उम्र है वो तो निश्चित है, गिन करके सांसों की पूंजी मिलती है। अब जैसे यह खर्च होती गई तैसे तैसे हानि समझ लो कि मृत्यु होती चली गई, शरीर छूटता चला गया। शरीर जब छूटता चला गया तो कर्मों के अनुसार सजा मिलने लग गई, कर्मों का विधान जब से बना तब से सजा से कोई बच नहीं पाया तो नरकों में जाने लग गई, कीड़ा मकोड़ा में बंद होने लग गई, पैर की योनि में डाल दिया, खड़े रहो, जड़ जिसको कहते हैं खड़े रहो, बस जैसे किसी को सजा देते तो कहते खड़े रहो, नहीं खड़े रहो, ऐसे ही सजा मिल गई, खड़े कोई रस नहीं कोई आनंद नहीं ले पाते। तत्व केवल पृथ्वी ही होती है, मनुष्य में तो 5 तत्व होता है, अन्य जीवों में अन्य अलग अलग तत्व होते हैं, लेकिन इसमें तो केवल एक पृथ्वी तत्व जड़ में होता है, तो जड़ बना करके खड़े कर दिए गए। तो जब जड़ बना के खड़े किए, काटे गए चिल्लाए, मुर्गा भैंसा की योनि में बने के काटे गए चिल्लाए, तब उस मालिक को दर्द हुआ, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब उसी के हैं, मालिक के ही सब बंदे हैं। तो उसने जो है संतों को भेजा, संत हमेशा इस धरती पर आए और रहे। अब यह है कि पहले के युगों में अनुसमझ लोग गुप्त रूप में रहे, जीवों की भलाई किए, और जब इधर कलयुग में ज़्यादा अन्य पापाचार अत्याचार जब बढ़ा, जब ज़्यादा भोग में अन्य इंसान फंसा, कर्म उसके जब खराब हुए, तो ऐसे समय पर ज़्यादा तकलीफ होने लग गई, नरक ज़्यादा लोग जाने लग गए। तब ऐसे समय पर ज़्यादा शक्ति दे करके पावर दे करके संतों को भेजा गया। अब संत जब आते हैं तो संतों का काम क्या होता है? दया का, हर तरह से दया करते हैं। संत जब इस धरती पर आते हैं तो अब आप यह समझो कि खाने पहनने की भी दिक्कत नहीं होने देते, उसमें भी आदमी को बढ़ोतरी कराते हैं, दुख तकलीफ कर्मों की सजा जो शरीर से भोग रहा है उसको भी दूर कराते हैं, और जीवात्मा को भी यानी निजात दिलाने का रास्ता बता करके इसको भी मुक्ति मोक्ष जिसको कहते हैं वो दिलाते हैं। अब रही बात ये कि जो संत ऐसे होते हैं, जो राजा ऐसे होते हैं कि प्रजा के बीच में या जनता के बीच में जीवों के बीच में रह करके उन्हीं के अनुसार अन्य समझ लो कि उनकी व्यवस्था को कराते हैं, उनको या दुनिया की चीज़ों को मुहैया कराते हैं, कोई कमी आ गई तो उनके साथ ही मिलकर दूर करते हैं, वो तो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और उन्हीं का इतिहास बन जाता है। राजा का काम क्या होता है? राजा का काम ये होता है कि प्रजा को सुखी रखे, हर तरह का इंतजाम कर दे, जो उसके अधिकार में है वो उनके माताहत जो हैं उनको उस अधिकार का प्रयोग करके और उनको खुशहाल रखे सुखी रखे। तो राजा के माताहत कौन होता है? राजा के माताहत प्रजा होती है। अब जैसे कोई मशीन जब खराब हो जाती है तो उसका जो पुर्जा खराब होता है उसको बदल लिया जाता है, और समय समय पर अगर देखते रहें तो पुर्जा जैसे घिसने लगता है तैसे ही उसको बदल देते हैं कि जैसे इंजन बंद न हो जाए, गाड़ी रास्ते में न रुक जाए। गाड़ी की सर्विस समय समय पर क्यों कराते हैं? कि तेल पानी सब चेक हो जाए। गाड़ियों को बहुत से लोग अपने हाथ से ही साफ करते हैं, मोटरसाइकिलों को अपने हाथ से ही साफ करते हैं, उसका क्या कारण होता है? कि कहीं कोई नट बोल्ट ढीला है, सफाई करते समय पकड़ में आ जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा, बदल दिया जाएगा। कहीं कोई टूट गया फूट गया,
गाड़ी तेज चलती है, मोटरसाइकिल तेज चलती है, गड्ढे में गिर गई, कोई चीज टूट फाट गया तो दिखाई पड़ जाता है। तो कि खेती पाती और घोड़े का तंग अपने हाथ संवारियो, अपने हाथ से संवारना चाहिए। खेती करने वालों के लिए अन्य कहा जाता है कि भाई रोज़ सुबह उठ कर के जाओ और जहाँ पर आपकी खेती लगी है उसको आप देखो, कौन किनारे का, बुजुर्ग लोग कहते हैं दर्शन करो, किनारे होते ना, नुकसान ज़्यादा किनारे ही होता है, किनारे से ही तो शुरू होता है। हनी आमला किसका, चाहे जिसका हो, चाहे जानवर का हो, चाहे आदमी, चाहे जिसका हो, किनारे से ही शुरू होता है। तो कौन किनारा देखते रहोगे तो सुरक्षित रहेगा, और घोड़े के ऊपर हाथ फेरते रहो, हाथ न फेरोगे तो घोड़ा, हनी खरारा न करोगे तो घोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और आपको धोखा देगा। तो ऐसे ही अन्य समय लोग कि अपने हाथ से यानी जब संवारते रहते हैं, देखते रहते हैं गाड़ी घोड़ा, तो फिर मतलब वो ठीक से चलती रहती है। तो पुर्जा जो खराब होता है उसको बदल दिया जाता है जब, तो यानी गाड़ी रुकती नहीं है। पहले के समय में राजा लोग क्या करते थे, घूमते थे प्रजा के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती थी। प्रजा अगर दुखी हो जाए, अगर प्रजा में कोई कमी आने लग जाए तो उसको भी दूर करते थे। तो जो बुद्धिमान होते थे वो बड़े सौम्य यानी समझ लो कि बड़े यानी समझ लो कि मुलायमियत से और बड़े तरीके से उस चीज़ को सही करते थे, कर देते थे। तो एक महमूद नाम का बादशाह हुआ, तो उसके राज्य में चोरियाँ शुरू हो गई। चोरी शुरू हो गई तो उसने सोचा भाई इनको कैसे ठीक किया जाए, चोरी कैसे बंद की जाए, इनको कैसे सुधारा जाए। तो रात को वेश बदल करके, ऐसा साधारण कपड़ा पहन करके तो निकल पड़ा। 11:30 बजे का समय था। पहले के समय में लोग समय से सब काम करते थे, समय की कीमत लगाते थे। और ये जो समय यानी जो निर्धारित हुआ, कुदरत ने निर्धारित किया मनुष्य के लिए, इसका लाभ मिलता है। तो कहा गया कि भोजन के एक घड़ी बाद यानी सूर्यांत के यानी दिन ढलने के एक घड़ी बाद भोजन खाओगे तो ठीक से पच जाएगा। भोजन का समय 7 से 9 बजे का बताया गया और भजन पूजन का भी 7 से 9, 10, 11 बजे तक बताया गया। उस समय पर अलग रस मिलता है, भोजन का भी रस अलग होता है और ऊपर का भी रस अलग होता है भजन का। और इसी तरह सुबह का भजन 2 बजे से 8 बजे तक का अच्छा बताया गया। उस समय ब्रह्म मुहूर्त रहता है, दिमाग भी ताज़ा रहता है, बुद्धि भी एक तरह से केंद्रित रहती है। तो यह समय अच्छा बताया गया। तो नियम लोगों ने बना दिया यानी इसी अनुसार। तो रात में लोग जल्दी सो जाते थे, अब तो रात भर जगते हैं। रात में ही बहुत से लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, औरतें परेशान हो जाती हैं कि रात भर कंप्यूटर पीटते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि रात में यानी समय से जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो 11:30 बजे तक कुछ लोगों की तो एक नींद पूरी हो जाती थी। तो निकला तो गया, अब चोर लोग बैठे थे, योजना बना ही रहे थे कि किधर चला जाए। तो जब इसको देखा तो देखते ही पहचान गए, रात में कौन जगता है। कहा गया रात में जगे या तो योगी, रात में जग करके साधना करते हैं योगी लोग, और या तो जगे भोगी, और या तो जगह रोगी, और या तो जगह लोभी। तो अब आप ये समझो कि रोगी भी रात में जगते हैं, मजबूरन जगह चाहे। बोले रात भर खांसी आई, रात तो सो नहीं पाया है, रात भर टट्टी जाता रहा, इतना दस्त बन गया है, तो रोग हो गया तभी तो। और लोभी, चोर क्या होते हैं, लोभी होते हैं, बहुत लोभ होता है। आजकल चोरियाँ ज़्यादा क्यों होती हैं, लोभ में ही होता है। ठगी क्यों ज़्यादा होती है, लोभ में ही होता है। वो जो उस मालिक को भूल जाते हैं
जो पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया, उसको भूल करके और खुद ही सोचते मैं ही करूँगा तभी सब काम होगा, तो लोभी। तो कहा भाई है तो ये चोर जैसा लग रहा है। तो उसमें से एक आदमी आया, कहा तुम कौन हो? तो राजा भी दिमागी तो था ही, पहचान गया कि रात को कौन जगेगा सवार चोर के और यहाँ गली में बैठे ये बात कर रहे हैं, कौन से चोर होंगे ये। तो उनसे महमूद ने भी कहा चोर, बादशाह ने भी कहा कि चोर हूँ। देखा तो कहा है तो चोर ही लगता है, ले गए अपने वहाँ चारों के पास ले गए। बोले तो कह रहा चोर है, कहे हाँ तो सच बता चोर हो? कहा हाँ चोर हूँ। तो बोले अच्छा बैठ जा आप, बैठ जा आप। तो बोल अरे अब किधर चला जाए चोरी के लिए? तो महबूब ने कहा कि आप लोग चलोगे चले चलेंगे, जो मिलेगा उसी में बांट लेंगे। बोले हाँ बात तो सही, बांट लिया जाएगा, चलो अब योजना बनाने लगे किधर चला जाए। तो ये हुआ कि अब कई लोग हो गए, तो अब चलो आज राजा के महल में चोरी किया जाए, ज़्यादा माल मिले इससे। फाइनल हो गया, यही बहुमत हो गया कि राजा के महल में आज चोरी किया जाएगा। फिर इन लोगों ने कहा भाई तो चोरी किसके नेतृत्व में किया जाएगा, लीडर कौन रहेगा हमारा, मुखिया कौन रहेगा, इसका फैसला कर लिया जाए। बोले हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि अगर कमांडर ही अगर नहीं रहा तो कहते एक कहावत है कि एक अगुआ बिना 900 दुल्हा डूब करके मर गए। तो यानी एक कोई होना चाहिए नेतृत्व करने वाला, मार्गदर्शक होना चाहिए। तो बोले भाई किसको बनाया जाए? तब उसी में से एक आदमी ने कहा आप लोग अपनी अपनी विशेषता बताओ, अपनी अपनी जानकारी दो, और जो ज़्यादा जानकार होगा उसी को बना दिया जाए। तो उसमें से एक ने कहा कि मैं जानवरों की बोली पहचानता हूँ, अगर जानवर बोलता है तो मैं पहचान जाता हूँ, समझ जाता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। दूसरे ने कहा कि मैं रात को भी अगर किसी को देख लूँ अंधेरे में भी, तो कभी भी देखूँगा दिन में रात में तो उसको पहचान जाऊँगा, एक बार भी मैंने देख लिया तो जीवन भर वो भूलेगा नहीं, मुझे उसको पहचान जाऊँगा। तीसरे ने कहा कि मैं ऐसी रस्सी फेंकता हूँ कि इस तरह से फंस जाती है ऊपर कि उसको पकड़ करके कितने लोग ऊपर चढ़ जाएं, वो खुल नहीं सकती, टूट नहीं सकती। चौथे ने कहा कि मैं नकब इतना बढ़िया लगा देता हूँ बगैर आवाज़ के दीवार को तोड़ देता हूँ कि किसी को खबर नहीं लगती है। और दूसरे पांचवे ने कहा मैं सूंघ करके बता देता हूँ कि माल कहाँ रखा है। अब आई राजा की बारी, बादशाह की, बादशाह से पूछा कि आप अपनी तारीफ बताओ। तो बादशाह ने कहा मैं अपनी दाढ़ी हिला देता हूँ तो फांसी पर कोई अलर्ट टक रहा है तो वो फांसी से उतार दिया जाता है। और ये तो लोगों ने कहा बात बन गई, इसी को अपना हीरो बना दिया जाए, नेता बना दिया जाए, इसी को मुखिया बना दिया जाए। मान लो कहीं फंस भी गए और राजा ने फांसी दे दिया तो ये दाढ़ी हिला देगा है तो बचत हो जाएगी। बोले अच्छा चलो चल पड़ो। चल पड़े राजा के महल की तरफ, बादशाह के महल की तरफ। देखते ही कुत्ता भूखा, तो जब कुत्ता भूखा तो दूसरे ने कहा बताओ क्या कह रहा है कुत्ता। तो उसने कहा कुत्ता कह रहा है हम में से कोई राजा है, बादशाह है। सब हंस पड़े, बताओ कुत्ते को क्या पता इसमें बादशाह है, चोरों में बादशाह कौन हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो गए तो उसने रस्सी लटका दिया, तो सब चढ़ गए और फिर उसने दीवार काट दिया, अंदर घुस गए और वो सूंघ करके बता दिया कि यहाँ माल रखा है और वहीं पर माल मिल गया।
टोड़ टाड़ करके तिजोरी और सामान आने लेकर के चले गए। अब बादशाह भी चला गया उन्हीं के साथ, और वहाँ पर बंटवारा हुआ। जब वहाँ पर बंटवारा हुआ तो इसको भी मिला, बादशाह को भी, और माल वहाँ पर रख दिया गया, अपना अपना माल सब छिपा के रख लिया, क्योंकि उधर झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे। चोरी का पैसा कहीं रुकता है? चोरी का पैसा नहीं रुकता है, चला जाता है, उसमें बरकत नहीं होती है। तो कहाँ रहेंगे, गरीबी में ही रहेंगे, कंगाली में रहेंगे। तो वहीं झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, अब छिपा करके रख दिए, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, खर्च करेंगे। बादशाह जब आया तो सुबह आने समय लोग की खबर हुई कि भाई चोरी हो गई, महल में चोरी हो गई, चोरी हो गई। बादशाह ने कहा चोरी हो गई, पता लगाओ। बहुत पता लगाए, सुबह से ही निकल पड़े चारों तरफ और खोजते रहे। शाम होने का समय आ गया, कहीं पता नहीं लगा। तो बादशाह ने कहा, बुलाया सिपाही और कहा मैं बताता हूँ, वहाँ चले जाओ, माल मिल जाएगा। बादशाह रात को देख कर आया ही था, बता दिया चले गए तो माल मिल गया। माल मिल गया और सब पकड़े गए। तो उस समय पर क्या नियम था कि माल मिल जाए किसी के पास तो यानी उसको सीधे फांसी की सजा देते थे, कोई कबूल कर ले तो उसको सजा मिल जाती थी। कोई अन्य समझ लो कि ऐसा नहीं था कि अपील करते रहो, मुकदमा चलता रहे साठों साठ वर्ष तक, 70 साल तक मुकदमा चलता रहे, आज की तरह से ऐसा नहीं था, तुरंत सजा देते थे। इसलिए लोग डरते भी थे कि अगर गलती की और सजा मिल गई है तो फिर ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फांसी पर लटका दिए जाएंगे। नियम कानून बड़ा सख्त था। तो ये हुआ कि अब इनको फांसी दे दिया जाए, माल बरामद हो गया और जो है चोरी करके लाए हैं ये, फांसी की सजा अधिकारी ने बोल दिया। लेकिन यह भी नियम था कि बादशाह के सामने फांसी होती थी, सजा बादशाह के सामने दिया जाता था, कोड़े बादशाह के सामने लगाए जाते थे। जो भी सजा का उस समय पर नियम था वो बादशाह के राजा के सामने दिया जाता था। तो बादशाह को बुलाएगा, बादशाह को बुलाएगा और सब के गले में रस्सी बांध करके लटका दिया गया था, तख्ता नीचे से बस केवल हटाना था। फांसी की प्रक्रिया उस समय अलग थी, अब तो अलग हो गई। तख्ते के ऊपर खड़ा कर देते, तख्ता खींच लेते थे और वह सो लटक जाता था। आने समय लो इस तरह से तो तख्ते पर खड़े कर दिए गए और लटका दिया गया फंदा। उसमें से जो बोला था मैं रात में भी किसी को देख लूँ तो पहचान जाता हूँ, बस वो राजा को बादशाह को गया पहचान। और जब पहचान गया तो कहा आप दाढ़ी हिलाओ, आप जान बचाओ, अब आज से ही आपका मुरीद हो गया, ये सब के सब आपके मुरीद हो जाएंगे, आप जैसे चलाओगे उसी तरह से हम चलेंगे। अब मजबूरी थी उनकी, वादा कर चुके थे, साथ में रहे थे, तो दाढ़ी हिला दिया, उतर आए। जब उतार दिए गए, फांसी के फंदे से नीचे उतर आए तो कहे चरणों में गिर पड़े। और चरणों में गिर पड़े तो बोले आपने मेरी ज़िंदगी जब बचाई तो ये ज़िंदगी आपके समर्पित है, आपके लिए समर्पित है, अब आप जैसे चाहो वैसा ऐसे शरीर से काम लो, जैसा हमसे चाहो वैसा करो। ऐसे ही संत आते हैं सबके बीच में रह करके और कमियों को दूर करते हैं, और कमियों को दूर करने के साथ ही साथ यानी उनको जब विश्वास हो जाता है, उनके बीच में तकलीफ झेल करके रात भर देखो जगा बादशाह, और उनके बीच में तकलीफ झेला, उनके बीच में रहकर तकलीफ जब झेल लेते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है, विश्वास हो जाता है तब समर्पण भाव आ जाता है। यानी आदमी को समर्पण भाव जब आ जाता है तो जैसा वो बताते हैं उसी हिसाब से जब चलता है करता है तब जीवात्मा का कल्याण हो पाता है। तमाम गोरख धंधे संतों ने यानी इसीलिए बनाए कि जीव यानी एक तरह से उनसे जुड़ जाए, यानी इसलिए कि जब जुड़ता रहेगा बार बार तो समझ लो बातों को भी पकड़ लेगा, बताए रास्ते पर चलेगा, कर्म कर जाएंगे,
बराबर याद अपने घर की, अपने मालिक की आती रहेगी, तड़प उससे मिलने की जग जाएगी और उसी में काम हो जाएगा। कहा ना, हंसे कंठ न पाया जिन पाया तिन रोए। उस मालिक के लिए अगर आंसू बह जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करता है, तो बराबर तड़प बनानी चाहिए। तो देखो आपका समय हो गया, अब और भी आपको काम करना है। अभी जो तैयारियां थोड़ी बहुत रह गई हैं उनको भी आप पूरी कर लो रात को जग करके। उसके बाद भी सेवा का मौका रहेगा, आप लोग जो आ जाए हो, क्या मौका रहेगा। रात में आज भी लोग आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। रात में कोई आ जाता है भूखा है, भंडारा बता दो और रोटी आने समय लोग के परोस के खिला दो, प्यासा है पानी बुला दो, छठे मैदान की जगह बता दो, उनका कैंप बता दो, जो असुविधा उसको है यानी वो असुविधा अनुसुविधा में बदल दो, वो दूर कर दो, ये भी तो एक सेवा है। अरे भाई टट्टे करने उधर चले जाओ, पेशाब करने उधर चले जाओ, यहाँ गंदा न करो, ये भी तो एक सेवा है। कोई नहीं जानकार है, भटका हुआ है तो उसको रास्ता बता देना पुण्य का काम होता है, तो यह भी तो एक सेवा है। यह भी तो एक सेवा है कि भाई कोई नुकसान न होने पावे। कोई नल की टोटी खोल कर चला गया, बच्चा नहीं मालूम है कि पानी सब बह जाएगा, तो उसको बंद कर दिया, या भाई इसको बंद कर देना, पानी की कमी है पहले ही बता दिया, कम खर्च करो। आप तो नहाने लग गए, चार बाल्टी नहाओगे और एक लोटा पानी किसी के लिए पीने के लिए नहीं रह जाएगा, तो ये भी एक सेवा है। देख रेख करना भी एक सेवा, व्यक्ति की भी सेवा और संगत की भी सेवा और आत्मा की भी सेवा, ये सब सेवाएं आदमी को करनी चाहिए। तो सेवाएं तो बहुत रहती हैं, जानकार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम खुद कर लेंगे और शरीर की क्षमता ऐसी होती है करते करते थक जाता है, वही जो आपके अंदर गुण है वो दूसरों को बता दो, वो भी आपका सहयोगी हो जाएगा और उसको भी उसका लाभ मिल जाएगा। तो जैसे बांट करके खाते हैं, सेवा भी बांट करके कर लेनी चाहिए। तो देखो आप इतने भारी संख्या में लोग आ गए, एक दिन पहले आ गए तो थोड़ा सा सुना दिया, अब कल सुबह घंटी बजेगी तो आप उठ जाना और तैयार होकर के यहीं पर आ जाना, तो थोड़ी देर सुमरन ध्यान भजन होगा, रोज का नियम है, वो नहीं तोड़ा जाएगा, कराया जाएगा। अब यह है कि रोज देर तक होता है, कल थोड़ा सुनाना रहेगा, इसलिए जल्दी थोड़े थोड़े समय करा करके और फिर कुछ आपको सुनाया जाएगा, तब तक रात में और सुबह तक और लोग आ जाएंगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। घृत दीपयारति साधु, दो आँखियाँ मर धारे। सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे।
सुनो श्रवण हे अपने मन के कार्य विसारे जागे सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होइ न्यारे शंख मृदंग सारंगी वंशी न सुनारे गावत जय जयकारे विनय करूं गुरु द्वार तुम्हारे सतगुरु द्वार तुम्हारे Thank you.